साईराम बच्चों बच्चों पिछले सेशन में हमने ओ की मात्रा का लेसन शुरू किया था, लेसन नंबर 10, और हमने उसमें एक पाठ भी पढ़ा था। पाठ का नाम क्या था बताइए बच्चों? नाचो गाओ होली है। अब आइए पेज नंबर 60 पर। सब लोग पेज नंबर 60 निकालिए। यहाँ पर हमें कुछ एक्सरसाइज दिए हैं, वो हमें करने हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। तो आइए अभ्यास करें, अभ्यास यानी एक्सरसाइज। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उत्तर लिखना है। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन भी दिया है और आंसर भी दिया है। इसी तरह से आपको नीचे के जो क्वेश्चन है उसके आंसर लिखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क, तोता और कोयल। बोलिए बच्चों, तोता और कोयल कहाँ बैठे हैं? सॉरी, तोता और कोयल कहाँ बैठे थे? आंसर भी दिया है आपको। देखिए कैसे लिखना है आंसर। तोता और कोयल पेड़ पर बैठे थे। तोता और कोयल पेड़ पर बैठे थे। अब बच्चों आपने लेसन तो रीड किया होगा, पार्ट रीड किया होगा, उसी पे ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है ख, तोते ने किस पर पानी डाला? बताइए, टीचर ने आपको लास्ट टाइम पार्ट पढ़ाया था, तोते ने किस पर पानी डाला? तोते ने खरगोश पर पानी डाल दिया। तोते ने खरगोश पर पानी डाल दिया। तो यहाँ पर आपको एक ब्लैंक दिया है, वहाँ पर आपको लिखना है खरगोश। क्या लिखना है? खरगोश। तो लिखिए बच्चों ख र गो श। अब तीसरे क्वेश्चन में आपको रीड करना है क्वेश्चन। बताइए तीसरा क्वेश्चन क्या है? ढोल ग, ढोल किसने बजाया? ढोल किसने बजाया बच्चों? करेक्ट, ढोल घोड़े ने बजाया। तो यहाँ पर आपको पूरा आंसर लिखना है। यहाँ देखिए पूरी लाइन है, लाइन के नीचे आप आंसर लिखेंगे। ढोल लिखिए, ढोल घोड़े ने बजाया। देखिए बच्चों ढोल घोड़े ने बजाया, और लास्ट में आप डालेंगे पूर्ण विराम, मतलब फुल स्टॉप। ढोल घोड़े ने बजाया। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। घ, सबने एक दूसरे को क्या लगाया? बताइए बच्चों सबने एक दूसरे को क्या लगाया? गुलाल। तो आपको यहाँ पर पूरा सेंटेंस लिखना है, आपकी टेक्स्ट बुक में आप इसे लिखेंगे। सबने, देखिए बच्चों सबने सबने
एक दूसरे को क्या लगाया? गुलाल लगाया। सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया। इस तरह से आप अपना एक्सरसाइज पूरा करेंगे। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन दिया है, चित्र को देखकर उसके पहले अक्षर में ओ की मात्रा का चिन्ह लगाकर नए शब्द बनाइए। तो आपको क्या करना है, चित्र देखना है, चित्र का जो पहला अक्षर होगा उसको ओ की मात्रा लगानी है और बीच में जितने भी चित्र दिए हैं उनको उनका पहला अक्षर जोड़ना है। पहले वाले चित्र के पहले अक्षर को हमें ओ की मात्रा लगानी है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए पहला अक्षर है, ये पहला क्या चित्र है, बतख। तो बतख का हम ब लेंगे, उसको हम ओ की मात्रा जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा बो। फिर ये है तलवार, तो तलवार का पहला अक्षर है त, तो हम लिखेंगे त, बो त, बो त। और यह है लड़का, तो लड़का का पहला अक्षर क्या हुआ, ल, तो हमने यहाँ लिख दिया ल, बोतल। क्या बन गया, बो त ल, तीनों मिला के बन गया बोतल। इसी तरह से हम दूसरे चित्र को देखते हैं। यहाँ पर है डमरू, तो डमरू का ड और उसको हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा डो। क्या बन जाएगा, डो। तो यहाँ हमने लिख दिया डो। फिर है ये लड़की, तो लड़की का पहला अक्षर ल और उसको हम बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा ली। तो ये हो गया डोली। क्या हो गया, डोली। अब बच्चों नीचे देखिए, ये क्या है, ये है अदरक। अदरक, अदरक का पहला अक्षर है अ, उसको हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा ओ। क्या बन जाएगा, ओ। फिर है खरगोश, तो खरगोश का पहला अक्षर हम लेंगे ख, ओ ख। फिर आया लट्टू, लट्टू का ल, पहला अक्षर लट्टू का ल, उसको हम लगाएंगे बड़ी की मात्रा तो बन जाएगा ली। तो सब मिला के बन गया ओ ख ली। क्या बन गया, ओखली, ओखली। समझ में आया बच्चों, आपको अपनी एक्सरसाइज पीछे की इसी तरह से कंप्लीट करनी है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ करना है आपको, यहाँ आपको पक्षियों को पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कौन कौन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको देखिए, पहले तो आपको कौन दिखाई दे रहा है, मोर। कौन दिखाई दे रहा है, मोर, तो आपको मोर लिखना है। फिर आपको कौन दिखाई दे रहा है, कोयल, तो आप क्या लिखेंगे, कोयल। फिर आपको कौन दिखाई दे रहा है, तोता, तोता। फिर आपको क्या दिखाई दे रही है, चिड़िया, चिड़िया।
और आपको एक और पक्षी दिखाई दे रहा है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वुड पैकर। क्या बोलते हैं? वुड पैकर। लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं कठफोड़वा। क्या बोलते हैं? कठफोड़वा। तो बच्चों, नीचे जो ब्लैंक दिए हैं वहाँ पर आपको लिखना है इन सारे पक्षियों के नाम। अब तो हमने पहचान लिए कौन कौन से पक्षी दिखाई दे रहे हैं, तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। पहले आएगा मोर। लिखिए बच्चों, मोर। दूसरे पे आएगा तोता। क्या आएगा? तोता। लिखिए तोता। फिर आएगा चिड़िया। तीसरे पे आएगा चिड़िया। चौथे पे आएगा, और कौन सा पक्षी है बताइए, कौन सा पक्षी बच गया? कोयल। कोयल। अब एक पक्षी और बच गया है, बताइए, कठफोड़वा। वुडपेकर, कठफोड़वा। तो बच्चों, इस तरह से आपको लेसन के एक्सरसाइज करने हैं और लेसन को रिवाइज करना है।